जय माता की। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ किसी भी देवी देवता को प्रकट करने का सबसे आसान उपाय। केवल आपको एक बार करें, स्वयं देखें, जो भी देवी देवता को बुलाओगे सबसे पहले आपके सामने आकर हाजिर होगा, चाहे फिर वो माँ काली हो चाहे फिर वो माता दुर्गा हो। जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उपाय बताने जा रही हूँ बहुत आसान उपाय है और ये उपाय आपको कहीं भी नहीं करना है, ये उपाय आपको घर से करना है। घर से लेके बस आपको उस जगह पे लेकर जाना है जहाँ पर माँ काली स्वयं विराजमान रहती है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊँगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, 2 लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो यहाँ पर जितने भी भक्त जुड़े हैं माँ काली के भी हैं और अन्य देवी देवताओं के भी हैं, तो मैं यहाँ पर उन सभी भक्तों को एक आसान उपाय बताने के लिए आई हूँ जो अपने देवी देवता को प्रकट करना चाहते हैं, जो अपने देवी देवता को बुलाना चाहते हैं, जो अपने देवी देवता से बात करना चाहते हैं। अब देखिए, काली माँ की पूजा करते हो या किसी भी देवी देवता की करते हो, आप इस उपाय से किसी भी देवी देवता को प्रकट कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है, केवल एक बार करोगे उसके बाद आपको अपनी आंखों से खुद ही स्वयं चमत्कार दिख जाएगा। यहाँ पे माँ काली की बात नहीं हो रही, किसी भी देवी देवता की हो रही, मतलब जिसकी पूजा पाठ जिसकी मान्यता आप अपने घर में करते हैं केवल उन्हीं देवी देवताओं की यहाँ पर बात हो रही है। जो मैं आपको इस वीडियो में उपाय बताने जा रही हूँ ये उपाय आपको 10 बार नहीं करना है, एक बार ही करना है। एक बार आप इस उपाय को करके छोड़ दो, उसके बाद आप खुद देखो जिस भी देवी देवता को बुलाओगे सबसे पहले आपके सामने आकर हाजिर होगा 100% गारंटी के साथ। तो मैं आप सभी भक्तों को बता देती हूँ कैसे आपको ये उपाय करना है और कब करना है और किस समय करना है। तो देखिए, जो मैं आपको इस वीडियो में उपाय बताने जा रही हूँ ये शनिवार के दिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये उपाय जब भी किया जाता है तो शनिवार के दिन ही किया जाता है और दिन आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको प्लेन लाल कपड़ा चाहिए होगा जो आपको दर्जी की दुकान पर मिल जाएगा, ठीक है, और उसमें आपको एक पानी वाला नारियल लेना है, दूसरी ओर आपको 3 नींबू लेने हैं और 3 जायफल साथ में लेने हैं, ठीक है। कभी भी हम देवी देवताओं को नींबू की भेंट चढ़ाते तो जायफल के साथ चढ़ाते, तो आपको भी 3 नींबू लेने हैं और 3 जायफल, 5 हरी इलायची ले लेना और 11 लौंग साबुत फूल वाली ले लेना, ठीक है। मतलब ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ ये उपाय केवल काली माता का नहीं है, ये उपाय एक ऐसा है जो किसी भी देवी देवता को आपके सामने प्रकट कर सकता है, चाहे फिर वो काली माता हो चाहे फिर वो दुर्गा माता हो। तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ ध्यान से सुन लीजिए। अब जैसे आपने लाल कपड़ा लिया है, ठीक है, लाल कपड़े में पानी वाला नारियल आपको कलावे से बांध कर रखना है। जब आप कलावे से उसको बांध के रखेंगे तो एक एक करके ये सारी चीज़ें रख देंगे, जैसे 11 लौंग, 5 हरी इलायची, 3 नींबू, 3 जायफल, जो जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं यही चीज़ें आपको लाल कपड़े में रखनी है। और लाल कपड़े में रखने के बाद माता काली का मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा बोलना है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये वाला मंत्र आपको 21 बार बोलना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इस मंत्र को 21 बार बोलेंगे तो उसके बाद आप लाल कपड़े को बांध देंगे, जैसे चारों ओर से बांधते हैं ऐसे ही आपको लाल कपड़े को बांध देना है
और बांधकर सीधा इसे आपको लेकर जाना है चौराहे पर, जहां पर माँ काली 24 घंटे विराजमान रहती है। जब आप चौराहे पे जाएंगे, चौराहे पे जाके सारी चीज़ें आपको माँ भगवती के नाम से रख देनी है। माँ काली का नाम लेके, भगवान शिव का नाम लेके ये सारी चीज़ें आप एक एक करके रख दीजिएगा। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें एक एक करके रख देंगे, तो याद रखिएगा जब आप लाल कपड़े को रखेंगे तो खोल के रखेंगे, ठीक है, बंद कर कर नहीं रखेंगे। तो खोल के जैसे ही रखते हैं तो माँ काली से हाथ जोड़कर विनती करनी है, हे माता काली मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कराइए जिससे मैं किसी भी देवी देवता को प्रकट कर सकूँ मात्र 2 मिनट। जैसे ही आप बोलोगे उसी समय माँ भगवती आपको शक्ति दे देगी। उस शक्ति से आप किसी भी देवी देवता को आसानी से प्रकट कर सकते हो, चाहे फिर माँ काली हो चाहे फिर माँ दुर्गा हो। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय